बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ढोक भाग के आ रही है। ये वही ढोक है जिससे मेरे शर्ट के सामने बची थी, और माशाल्लाह ये काफ़ी ट्रेन हो गई है आज तो। ये मैं गया अब तो ये मेरे पीछे आ गई, तो फिर उसके बाद मैं घर से वापस आया तो ये वहीं पर बैठी हुई थी। तो इसके बाद मैंने इसको कहा बिलो आओ चले वापस, तो ये जनाब साहब बार बार मेरे पीछे दौड़ रही थी। तो ये अब ट्रेनिंग भी हो गई है, अब मैं जब भी कहीं भी जाने लगता हूँ तो ये मेरे पीछे आने शुरू हो जाती है, दौड़ना शुरू हो जाती है। मैं इसलिए इसको वापस लेगा। यहाँ पर मैं गटर के अंदर भी गिरने लगा था, वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि मैं अकेला था। तो ये इसको मैं अपने शर्ट पर वापस छोड़ने आया, क्योंकि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ये गुम ना हो जाए और रास्ता ना भूल जाए। डॉग्स होते तो बड़े शार्प हैं, रास्ता नहीं बोलते, लेकिन फिर भी मैं वापस आया। तो फिर उसके बाद मैंने देखी ये मेरे पीछे कैसे कैसे आ रही है। मैं जैसे बाइक तेज़ कर रहा था तो ये मेरे इसको फिर बेचारी को सांस चढ़ गया। तो इसके बाद मैंने फिर बाइक तेज़ नहीं की, फिर मैं राम राम से इसको ले कर आया अपने शहर पर। और जो जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जनाब साहब मेरी बहुत ही प्यारी कुत्ती है, जो बहुत ही वफादार है और बहुत ज़्यादा मेरे साथ साथ अटैच है। तो अब ये देखे जैसे ही मैं आया हूँ तो इस बेचारी को बहुत ज़्यादा सांस चढ़ गया। फिर ये जो डॉग्स हैं और भी आ गए शेड के बाहर, काफ़ी सारे डॉग्स रखे हुए मैंने। तो इसके बाद मैंने चाबी उतारी और ये जनाब साहब फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर मैंने कहा चलो अब काफ़ी थक गया, तो फिर इसको फूड दिया जाता है। और ये जनाब साहब इसको मैं इसकी जो फूड का वो ख़ास ध्यान रखता हूँ ताकि ये खा ले पी ले, दूध वगैरह भी इसको डालता हूँ। मैंने जैसे ही इसको रोटी डाली तो दूसरे डॉग्स भी मेरे पास आ गए। तो फिर पहले मैं इसको खाना वगैरह मुकम्मल करवा देता हूँ, क्योंकि ये जो है खाना जो उनसे आराम आराम से खाती है। तो दूसरे डॉग्स हैं इसके मुँह से खींच लेते हैं। इसके बाद मैंने फिर इसको एक और रोटी डाली ताकि इसका पेट भर जाए। इसका पेट भरेगा तो इसके बच्चों का पेट भरेगा। तो उसके बाद ये इसने जनाब साहब आराम आराम से खाना खाया और अपने बच्चों को दूध पिलाया, और दूसरे डॉग्स को भी मैंने खाना डाल दिया ताकि वो इसकी जो रोटी खींच